चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मिलती रहे आपको लेटेस्ट रेसिपी अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, चैनल दस्तरखान की रौनक में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं, 1.5 किलो हमारा चिकन है, इसको मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। 1.25 किलो मैंने बासमती चावल लिया है, डबल चाबी, इसको भी मैंने धोकर भिगो रखा है 2 घंटे से। डेढ़ सौ ग्राम मैंने दही ली है, 4 टेबलस्पून भर कर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 छोटी प्याज को लेके मैंने बारीक कट किया है, इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक है, 3 बड़ी प्याज को मैंने कट किया है, 3 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने कट किया है, 1/2 नींबू है, 10 से 12 हरी मिर्च, इन सभी का हम पेस्ट तैयार करेंगे मिक्सर जार में। नींबू को हम चिकन में डालेंगे मैरिनेशन के लिए। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून चिकन तंदूरी मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 2 टेबलस्पून भरकर हमारा कॉर्नफ्लोर है। आठ से दस मैंने तेज पत्ते लिए हैं, 1 जायफल को मैंने तोड़ लिया है हाफ, 4 फूल हैं जावित्री के, 1 टीस्पून जीरा है, 6-7 हमारी लौंग है, 4 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची, 4 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून काली मिर्च है हमारी, थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर लिया है। एक बर्तन में पहले हम चिकन को मैरिनेशन के लिए रखेंगे, इसमें हम सभी मसाले ऐड करेंगे। वन टीस्पून मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ, 2 चम्मच भरकर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1/2 नींबू भी इसी में डाल लेंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर के लिए मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, इसको हम अब साइड कर देंगे 1/2 घंटे के लिए। दूसरी तरफ मैंने फ्लेम पे भगोने में पानी गरम करने के लिए रख रखा है, ये तकरीबन हमारा 3.5 लीटर पानी है, इसमें हम तकरीबन 2.5 चम्मच नमक डालेंगे पहले, और इसको एक उबाल आने तक इसी में रहने देंगे। ये देखिए इसमें बस उबाल आने वाली है, हम इसमें अपने चावल को ऐड कर लेंगे। अब हम इसको पकने देंगे एक उबाल आने तक। ये देखिए अभी इसमें उबाल आई नहीं है, मगर हम चावल को चेक कर लेते हैं, अभी ये थोड़े कच्चे हैं, इसको अभी हम पकने देंगे तकरीबन एक उबाल आने तक। 90% हम इसको कुक करेंगे, उसके बाद हम इसको एक छन्ने में निकाल लेंगे, 90% ही हम इसको पकाएंगे। इसको हम ढक देते हैं दोबारा से। चावल को मैंने छन्ने में निकाल लिया है, एक कढ़ाई को मैंने रखा है फ्लेम पे, तेल गर्म होने पर हम उसमें सबसे पहले चिकन को फ्राई कर लेंगे। इसको हम पलट लेंगे, चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, हम मिक्सर जार में तब तक टमाटर प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए चिकन भी हमारा फ्राई हो चुका है,
इसको हम पूरा फ्राई नहीं करेंगे, बस इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। बाकी बचे हुए चिकन को भी हम फ्राई कर लेंगे, फुल फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम उसी भगोने में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 100 ml हमारा ऑयल है, रिफाइंड ऑयल। अब इसमें हम कटी हुई प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है, इसको निकालेंगे और उसी तेल में हम खड़े हुए मसाले सारे इसी में डालेंगे। प्याज को भी मैंने निकाल लिया है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, भूनेंगे आधा ही मिनट हम इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे, इसको भी थोड़ा हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ प्याज टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ, इसको भी हम तकरीबन बस 1 मिनट या 2 मिनट हम इसको भूनेंगे। इसको हम पूरा नहीं भूनेंगे, इसको हम चिकन के साथ भूनेंगे, चिकन इसमें ऐड कर लेंगे। और अब इन सभी को फुल फ्लेम पे हम अच्छे से भून लेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ मसालों का, क्योंकि चिकन में हमारे नमक ऐड है और चावलों में भी, यहाँ सिर्फ हम मसालों के लिए ही नमक डालेंगे। अब इन सभी को मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको हम पकाएंगे। ये देखिए ये अच्छे से हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें चावल की तह लगा लेंगे। फूड कलर मैं यहाँ दो साइडों पे डाल रही हूँ, फ्लेम हमारा मीडियम है। अभी फ्राई की हुई प्याज पे मैं थोड़ा गरम मसाला 1/2 टीस्पून तकरीबन डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा मिक्स करने पे हम सारी प्याज इसी में डालेंगे, थोड़ी सी बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे 2 से 3, और कटी हुई हरी धनिया को भी हम ऊपर से इस तरह डालेंगे। अब एक कपड़े से हम इसको कवर करेंगे और ढकना ढक कर इसको हम दम के लिए रखेंगे। 10 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे और 5 से 7 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। इसको हम देख लेते हैं, ये देखिए इसमें भाप आ चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको इसी में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए एक एक दाना खिला हुआ हमारा बिरयानी का बनकर तैयार है। बहुत ही बढ़िया हमारी बिरयानी बनकर तैयार होती है, शाही चिकन बिरयानी। इस तरह आप बनाइए, काफ़ी इजी भी रहती है बनाने में, ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं रहती है। अब हम इसमें थोड़ा सा गोल्डन किया हुआ प्याज गार्निश कर लेंगे और कटा हुआ धनिया भी हम इसमें थोड़ा सा गार्निश करेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी चिकन बिरयानी बनकर तैयार है। इस तरह आप बनाइए, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, काफ़ी जूसी चिकन है हमारा और एक एक दाना हमारा चावलों का खिला हुआ है। ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है उतने खाने में और टेस्टी बनी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रायते के साथ सर्व कीजिए गर्मा गर्म। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिश को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।